Uh, students, good morning and welcome to Bind EduTech. In previous video, we were discussing that when Edla was returning from church, along with her father, they had confirmed belief that. The peddler must have stolen all the costly things from their home. But instead of stealing anything, he had left a unique present for her, which was beyond the imagination of Edla. and she became very वेरी हैप्पी टू सी gift गिफ्ट लिफ्ट बाय peddler पेडलर बिकॉज ही हैड नॉट her हर फेथ पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब आयरन मास्टर और एडला चर्च से लौट रहे थे दस बजे के करीब तो एडला विलमैनसन का सर पहले से भी ज़्यादा शर्म से झुकी हुई थी वह अपने पिता से नज़र नहीं मिला पा रही थी और दोनों को एक कन्फर्म विश्वास था कि पेडलर अब तक घर का सारा कीमती सामान चुराकर चला गया होगा लेकिन कुछ भी चुराने के बजाय पेडलर ने एक यूनिक गिफ्ट स्पेशियली एडला के लिए छोड़कर गया था जो एडला के कल्पना से भी परे था उसने एडला के विश्वास को नहीं तोड़ा इसलिए एडला पेडलर के द्वारा छोड़े गए उस गिफ्ट को देखकर खुश हो जाती है। क्या था उस गिफ्ट में विच थिंग्स वर केप्ट इन द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर तो उस गिफ्ट में एक स्मॉल रैट ट्रैप छोटी सी चूहेदानी थी और उस चूहेदानी के अंदर वो जो क्राफ्टर का तीस क्रॉनर चुराया था वो दस दस क्रॉनर के तीनों नोट थे और इतना ही नहीं बल्कि एक लार्ज और जैक्ड कैरेक्टर बड़े और ढ़े मेढे अक्षरों में लिखा हुआ एक लेटर भी था अब हम लोग देखें कि उस लेटर में पेडलर ने एडला को क्या लिखा था ऑनर्ड एंड नोबेल मीश संबोधित किया था एडला को कि उच्च सम्मान के योग्य और महान मीश एडला विल मैंसन को संबोधित किया था सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन आपने मेरे प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार की एज इफ आई वॉज ए कैप्टन मानो की मैं वास्तव में कैप्टन था आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न बदले में मैं भी आपके प्रति वैसा ही अच्छाई पेश करना चाहता हूं कि मानो कि मैं एज ई फाइव आज ए कैप्टन फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी इम्बारास्ट एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ इस क्रिसमस के अवसर पर आपको एक चोर को शरण देने के लिए शर्मिंदगी उठानी पड़े इसे मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता देखिए वो जो पैसा लौटा रहा था ये प्रमाणित कर रहा है कि वो सदा सदा के लिए चोरियां छोड़ रहा था बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड हु हैड द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए वेट फॉर पुअर वॉन्डर उसने लिखा कि ये पैसा आप उस वृद्ध व्यक्ति को जिसका सड़क के किनारे जो झोपड़ी में रहता है वो वृद्ध व्यक्ति और खिड़की के सामने एक लेदर पाउच में उसके पैसे रखे हुए थे आप उसे ये पैसा लौटा दीजिएगा जो किसी भी गरीब के लिए एक चारे का काम करती है द ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट हु वुड हैव बीन काउट इन दिस वर्ल्ड रैड ट्रैप और यह चूहेदानी उस चूहे के द्वारा जो इस दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस गया था आपको क्रिसमस के अवसर पर दिया जाने वाला एक उपहार है उस चूहे के द्वारा जो इस दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस गया था इफ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन अगर आपने उसे कैप्टन न बना दिया होता उस पद तक न पहुंचा दिया होता उस पद की गरिमा का अहसास न करा दिया होता तो वह चूहा इस दुनिया रूपी चूहेदानी से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता था बिकॉज इन दैट वे ही गॉड पावर टू क्लियर हिमसेल्फ आपके इस पद ने मुझे एक नई जिंदगी दी अपनी अंतर आत्मा को शुद्ध करने का मौका दिया और इस दुनिया रूपी चूहेदानी से मुक्ति छुटकारा दिलाया रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड दोस्ती और उच्च सम्मान के साथ आपका कैप्टन बोन अस्टिहल अब यहां पर प्रश्न उठता है कि Why did the peddler sign himself as captain Von Astehal? Why did the peddler Why did the sign himself as captain? वोन अस्टेहल अब पहले सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करें कि क्या पेडलर रियली में कैप्टन वोन अस्टेहल था और अगर वो रियली में कैप्टन वोन अस्टेहल नहीं था तो अंत में वो कैप्टन वोन अस्टेहल के रूप में साइन क्यों किया तो हम लोगों ने राइट फ्रॉम द बिगनिंग स्टोरी में ये देखा कि पेडलर एक रैट्रैप सेलर था जो पीटी थीवरी और बेगिंग छोटी चोरियां भी करता था और भीख भी मांगता था ओ अगर कैप्टन होता तो एडला को देख करके वो इतना डरा हुआ नहीं होता अगर रियली में कैप्टन होता तो आयरन मास्टर उसे पहचानता और अगर वो कैप्टन होता तो पढ़ा लिखा होता लार्ज और जैक्ड कैरेक्टर में वो इस तरह से नहीं लेटर लिखता तो ये क्लियर है और सबसे बड़ी बात कि वो खुद कहता है कि मानो कि मैं कैप्टन था अगर वो रियली में कैप्टन होता तो फिर लेटेस्ट कंसीडर की बात नहीं आती तो फ्रॉम द स्टोरी इट इज क्लियर दैट द पेडलर वॉज नॉट कैप्टन वोनस टेहल देन वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वोन यहां पर प्रश्न उठता है कि आखिर पेडलर कैप्टन वोनस टेहल के रूप में साइन क्यों किया तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल द पेडलर वेंट टू एडला विल मैंसंस होम एज कैप्टन वोन अस्टेहल पेडलर एडला के घर कैप्टन वोन अस्टेहल के रूप में गया था एडला बिहेव्ड विथ हर एज कैप्टन बोन अस्टेहल डिस्पाइट नोइंग द ट्रूथ अबाउट हिम हर सच्चाई जानने के बाद भी एडला ने पेडलर के साथ कैप्टन मूनस्तेहल के तरह ही व्यवहार की द पोस्ट ऑफ कैप्टन हैड गिवेन हिम ए न्यू लीज ऑफ लाइफ कैप्टन के पद ने पेडलर को एक नई जिंदगी दी एंड

दिलाने का एक अवसर दिया दैट्स वाई द पेडलर साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वोन अस्टेहल यही कारण है कि पेडलर अंत में कैप्टन वोन अस्टेहल के रूप में शाइन किया अब हम लोग इस स्टोरी का जो मैसेज है कि द इसेंशियल गुडनेस इन न बी अवेकेंट थ्रू लव हैंड अंडरस्टैंडिंग इसको जस्टिफाई करेंगे तो हम लोगों ने पूरे स्टोरी में देखा कि पेडलर के लाइफ में तीन टर्निंग आते हैं पहली उसकी मुलाकात क्राफ्टर से होती है जो रैम्स जो आयरन वर्क का क्राफ्टर था क्रॉफ्टर पेडलर के जिंदगी में वो पहला व्यक्ति बना क्रॉफ्टर वाज़ द फर्स्ट पर्सन इन पेडलर्स लाइफ हु शोड काइंडनेस एंड सिंपैथी टुवर्ड्स हिम जिसने उसके प्रति उदारता दिखलाई और पहली बार पेडलर को किसी ने शरण दिया भोजन तंबाकू और दोस्त के जैसा व्यवहार किया आखिर क्रॉफ्टर के प्यार और खातिरदारी में पेडलर ने क्या कमी पाई कि उसके एहसानों को उसने कैसे चुकाया लूट कर बदले में उसका थर्टी क्रॉनर रॉब्ड कर लेता है स्टोल कर लेता है और वहां से चला जाता है अब स्वाभाविक रूप से मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर क्रॉफ्टर की प्यार और खातिरदारी में क्या कमी रह गई थी कि पेडलर ने उसे लूट लिया तीनों को कैसे कैसे चुकाता है अहसानों को तो एक को क्रॉफ्टर को लूटकर आयरन मास्टर को प्रिचड उपदेश देकर के कि यह दुनिया एक चूहेदानी है और वो भी एक दिन इसमें फंसेगा और तीसरे को एक यूनिक गिफ्ट देकर एक को लूटकर दूसरे को उपदेश देकर और तीसरे को गिफ्ट देकर तो क्रॉफ्टर की जो प्यार और खातिरदारी थी दैट वाज गाइडेड बाय सेल्फिश मोटिव्स एंड प्राइड दैट वॉज गाइडेड बाय सेल्फिश मोटिव एंड प्राइड उसमें स्वार्थ और घमंड ये दोनों चीज थी स्वार्थ क्या थे कि ही वॉज ए लॉन इन हीस कॉटेज विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रेन सो ही बीकेम हैप्पी टू फाइंड समवन टू टॉक इन हिज लॉन्नी क्रॉफ्टर अपनी झोपड़ी में अकेले रहता था न उसकी पत्नी थी न बच्चे वो भी अकेलेपन से त्रस्त था और किसी को पा करके वो खुश हो जाता है कि चलो इस अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए कोई तो मिला दूसरी बात आपको क्या लग रहा है कि अगर क्रॉफ्टर का भरा पूरा परिवार होता उसकी पत्नी बच्चे होते तो क्या वह पेडलर को शरण देता उसके प्रति इतनी उदारता दिखलाता इतना टॉकेटिव होता उसके प्रति पेडलर इस चीज को रियलाइज करता है दूसरी ओर वो उसका घमंड भी दिखा रहा था जब वो बताता है कि एक समय था जब मैं रैम्स जो आयरन वर्क का क्रॉफ्टर हुआ करता था लेकिन आज जब मैं डे लेबर के एबल नहीं रहा योग्य नहीं रहा तो मैंने अपने आप को चेंज कर लिया एक गाय पाल ली और मैं मजे में रह रहा हूं और हर खर्च के बावजूद भी मैं थर्टी क्रॉनर बचा करके रखा हुआ हूं तो एक तरह से यह पेडलर के स्वाभिमान पर चोट भी था कि देखो जब मेरी स्थिति खराब हो गई तो भी मैं भीख नहीं मांग रहा हूं गाय पाल करके और आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा हूं और विश्वास नहीं है तो देखो मैं तीस क्रॉनर कमा कर रखे हुए हूं और वो तीस क्रॉनर दिखाता है फेडलर ने उसके एहसानों को कैसे चुकाया उसको रॉब्ड करके ही अस्टोल हिज थर्टी क्रॉनर एंड वेंट अवे अब दूसरा जो आयरन मास्टर आयरन मास्टर की भी जो काइंडनेस और हॉस्पिटलिटी थी द काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी शोन बाय द आयरन मास्टर वर ऑल्सो गाइडेड बाय सेल्फिश मोटिव एंड प्राइड आयरन मास्टर के द्वारा पेडलर के प्रति दिखाई गई उदारता और मेहमान नवाजी में भी स्वार्थ और घमंड दोनों थे आयरन मास्टर वाज काइंड टू द देडलर बिकॉज ही मिस टू खिम एज हिज ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड कैप्टन वोन अस्टेहल आयरन मास्टर पेडलर के प्रति उदारता दिखलाता है जिसका पहला रीजन था कि वो गलती से उसे अपने सेना का पुराना दोस्त कैप्टन बोन अस्तेहल के रूप में रिकॉग्नाइज करता है दूसरी ओर ही ऑल्सो वांटेड ए कंपेनि ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस दूसरी ओर आयरन मास्टर भी क्रिसमस के अवसर पर किसी का साथ चाहता था आयरन मास्टर की पत्नी एलिजाबेथ की मौत हो चुकी थी हिज बॉयज वर इन एब्रूड उसके बेटे विदेश में थे और वो घर में अपने और अपनी बड़ी बेटी एडला के साथ रहता था तो ही वाज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम एक्यूट लॉन्लीनेस यहां पर भी देखिए क्रॉफ्टर ही वाज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम एक्यूट लॉन्लीनेस यहां पर आयरन मास्टर भी लॉन्लीनेस था तो इसके भी जो खातिरदारी थी हॉस्पिटिलिटी और काइंडनेस दैट वाज़ गाइडेड बाय सेल्फिश मोटिव्स एंड प्राइड आयरन मास्टर तभी तक पेडलर के प्रति उदार रहता है जब तक कि उसकी आइडेंटिटी रिवील्ड नहीं हो जाती प्रकट नहीं हो जाती एज सुन एज द आइडेंटिटी ऑफ द पेडलर वॉज रिवील्ड बिफोर द आयरन मास्टर द बिहेवियर ऑफ द आयरन मास्टर टुक यू टर्न ज्यो ही पेडलर की पहचान प्रकट होती है आयरन मास्टर का जो पेडलर के प्रति नजरिया था टुक यू टर्न यू टर्न मीन्स टोटली बदल जाना पूरी तरह से चेंज हो जाता है हम लोगों ने स्टोरी में देखा कि द आयरन मास्टर चाइडेड ही में लॉट जो ही पेडलर की पहचान प्रकट होती है आयरन मास्टर उसे डांटता है स्कॉल्ट करता है चाइड करता है उसे पुलिस से गिरफ्तार करवाने की धमकी देता है एंड ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट और उसे घर से बाहर जाने का आदेश देता है पेटलर ने आयरन मास्टर के हसानों को कैसे चुकाया बाई प्रीचिंग हिम उसको यह उपदेश देकर कि द इंटायर वर्ल्ड इज ए बिग ट्रैप एंड ही माइट बी काउट इन इट वन डे आयरन मास्टर के अहसानों को पेडलर रिपे करता है उसको उपदेश देकर कि यह संपूर्ण दुनिया एक चूहेदानी और वो भी एक दिन इसमें फंसेगा लेकिन तीसरी जो एडला एडला द डाउटर ऑफ आयरन मास्टर द डाउटर ऑफ द आयरन मास्टर लेकिन हम लोगों ने स्टोरी में देखा कि द काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी शोन बाय एडला वेयर बियॉन्ड बियॉन्ड एनी सेल्फिश मोटिवस एंड प्राइड बियॉन्ड एनी सेल्फिश मोटिव्स बियॉन्ड एनी सेल्फिश मोटिवस एंड प्राइड लेकिन पेडलर के प्रति जो खातिरदारी और नवाजी काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी शोन बाय एडला द डाउटर ऑफ द आयरन मास्टर वर बियॉन्ड एनी सेल्फिश मोटिव्स एंड प्राइड एडला की खातिरदारी उसकी दयालुता निस्वार्थ थी न कहीं उसमें स्वार्थ थी और ना ही घमंड डिस्पाइट नोइंग द ट्रूथ अबाउट हिम उसके बारे में सच्चाई जानने के बावजूद भी एंड अ स्ट्रांग अपोजिशन ऑफ हर फादर और अपने पिता के प्रबल विरोध के बावजूद भी सिक्किम फॉरवर्ड इन द सपोर्ट ऑफ द पेडलर ओनली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हर हकीकत जानकर और अपने पिता के प्रबल विरोध के बावजूद भी एडला पेडलर के पक्ष में आती है केवल मानवता के आधार पर जिसमें न कहीं कोई स्वार्थ थी न कहीं घमंड हर जेन्युन लव केयर एंड सिंपैथी टुवर्ड्स द पेडलर एक्टेड एज ए सुदिंग बाम ऑन द ब्लीडिंग हर्ट ऑफ द पेडलर एडला की वास्तविक प्यार करुणा और सहानुभूति पेडलर के दुखती हुई रगों पर वह पेडलर जिसे जिंदगी भर केवल दुत्कार और तिरस्कार ही मिला था उसके ब्लीडिंग हर्ट दुखती हुई हृदय पर एडला के प्यार जेनुिन उसको कहें जेन्युन लव केयर एंड सिंपैथी एक्टेड एज ए सूदिंग बाम राहत पहुंचाने वाली मरहम का काम करती और द पेडलर फाइनली चेंज्ड हिज वेज ऑफ लाइफ और पेडलर पूरी तरह से अपने जिंदगी का रास्ता ही बदल देता है गेवअप अस्टीलिंग फॉर एवर वो सदा सदा के लिए चोरिया छोड़ देता है एंड प्रेजेंटेड हरे यूनिक गिफ्ट और उसे एक यूनिक गिफ्ट देता है अगर आप सोचिए कि जिस तरह से पेडलर की आइडेंटिटी जब आयरन मास्टर के सामने रिवील्ड हो गई थी तो आयरन मास्टर ने जैसा रिएक्ट किया उसको डांटता फटकारता है गेट आउट होने का आदेश देता है अगर वैसा ही एटीट्यूड एडला भी दिखा देती और उसे पिता के साथ मिलकर धक्का देकर अगर घर से बाहर कर देती तो क्या पेडलर कभी भी जिंदगी में एक सभ्य व्यक्ति बन पाता असंभव कभी भी नहीं तो ए स्टोरी ये प्रमाणित करती है कि द इसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग द इसेल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग्स कैन बी अवेकेंड थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग कि किसी भी व्यक्ति के अंदर की अच्छाइयों को हम आपसी समझदारी और प्यार से ही जगा सकते हम नफ़रत से किसी का दिल नहीं जीत सकते तो अगर ए स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना रहे या स्टोरी की समरी लिखनी हो तो हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे या अगर क्वेश्चन रहे कि हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट ऑफ काइंडनेस शोन बाय द क्राफ्टर द आयरन मास्टर एंड हिज डाउटर या अगर क्वेश्चन रहे कि हाउ डिड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे ऑफ लाइफ तो ये तीनों प्रश्नों का उत्तर हम लोग इसी तरीके से देंगे चूंकि क्राफ्टर और आयरन मास्टर की काइंडनेस और हॉस्पिटलिटी में सेल्फिश मोटिव्स और प्राइड थी इसलिए वे पेडलर के जिंदगी को नहीं बदल सके जबकि द काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी शोन बाय एडला व बियॉन्ड एनी सेल्फिश मोटिव्स एंड प्राइड एंड दैट फाइनली चेंज द लाइफ ऑफ द बेडलर अब इस स्टोरी में व्हाट आर द इंस्टांसेस जो क्वेश्चन होगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल आए हैं व्हाट आर द इंस्टांसेस इन द स्टोरी दैट शो दैट द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज डाउटर इन मेनी वेज आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला के कैरेक्टर में कहाँ कहां भिन्नता आप पाते हैं इस स्टोरी में तो सबसे पहले तो पहला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडला दाउटर ऑफ आयरन मास्टर हैड बेटर पावर ऑफ बेटर पावर ऑफ परसवेजन देन दैट ऑफ हर फादर पहला पॉइंट कि एडला के अंदर किसी व्यक्ति को मनाने की क्षमता अपने पिता से अधिक थी जैसा कि हम लोगों ने स्टोरी में देखा कि द आयरन मास्टर ट्राइड हिज लेबल बेस्ट टू तो परस्वेट द पेडलर टू तो ब्रिंग हिम होम बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस देन ही सेंट हिज डाउटर एडला to persuade the peddler and finally she got success in it which shows that edla had better power of persuasion than that of her father iron master apne se har sambhav koshish kar liya पेडलर को मनाने का लेकिन उसमें सफलता उसे नहीं मिली तब वो अपने बेटी को भेजता है और उसकी बेटी इसमें सफल हो जाती दूसरा कि एडला हैड एडला हैड बेटर पावर टू परसीव ह्यूमन बीइंग्स देन दैट ऑफ हर फादर एडला के अंदर किसी व्यक्ति को पहचानने की क्षमता भी अपने पिता से अधिक थी जैसा कि स्टोरी में हम लोगों ने देखा कि एज सुन एज द आयरन मास्टर सा द पेडलर इन द फॉर्ज हि मिस टूक हिम एज हिज ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड कैप्टन बोनस टेहल But Edla had doubts that peddler was either a thief or he had escaped from jail and he was not an educated person. And later on we see that her doubts proved true. Iron Master को फर्स्ट साइट में ही कन्फ्यूजन हो जाती है पेड्डलर को देखकर कि यह या तो चो यह व्यक्ति जो है वो सेना में उसका रह चुका पुराना दोस्त है लेकिन इडला को फर्स्ट साइट में ही क्या संदेह हो जाती है कि यह या तो चोर है जेल से भागा हुआ है और यह शिक्षित नहीं और आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि इडला के जो संदेह थे वो बिल्कुल सच साबित होते हैं और तीसरा अंतर जो है थर्ड में कि एडला हैड मच लव एंड सिम्पैथी फॉर द पुअर देन दैट ऑफ हर फादर इडला के अंदर अपने पिता से ज्यादा प्यार और सहानुभूति गरीबों के प्रति थी जैसा कि स्टोरी में हम लोगों ने देखा कि एज सुन एज द आइडेंटिटी ऑफ द पेडलर वाज रिवील्ड जि ही पेडलर की पहचान प्रकट होती है द बिहेवियर ऑफ द आयरन मास्टर टुक यू टर्न आयरन मास्टर का बिहेवियर पूरी तरह बदल जाता है बट एडला केम फॉरवर्ड इन द सपोर्ट ऑफ द पेडलर ओनली ऑन ह्यूमेनिटेरियन ग्राउंड तो इतने सारे चीजों को हम लोगों ने इस स्टोरी में देखा अब हम लोग यहीं पर स्टोरी को कंक्लूड करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो में अगले लेशन के साथ हम लोग इसको क्लियर करेंगे अगले लेशन को थैंक यू